여러분 대기업 갈까? डीएलसी के विषय में जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि क्रिप्टो गेम प्लांट में थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये तीन ही आते हैं, और उसके बाद ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ। हम लोग कहते हैं कि थैलोफाइट्स प्रिमिटिव प्लांट्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हाइब्रिड एडवांस प्लांट के ग्रुप होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि स्टील सिस्टम जैसे थैलोफाइट्स हैं उनमें स्टील नहीं होते। स्टील का मतलब है जाइलम और फ्लोएम उसके साथ पीठ है जो सेंटर में होता है, और जाइलम फ्लोएम के बाहर आउटर में पेरिसाइकिल होता है, फिर एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस के ऊपर कॉर्टेक्स होता है, उसके बाद हाइपोडर्मिस होता है, और सबसे बाहर में एपिडर्मल रीजन होता है, एपिडर्मल टिश्यू होता है। तो टेरिडोफाइटा जो है उसमें हम लोग देखेंगे यहीं से स्टील की उत्पत्ति होती है। जाइलम और फ्लोएम को जो वैस्कुलर टिश्यू हम लोग कहते हैं वो जाइलम और फ्लोएम का ओरिजिन ही होता है इसी सब फाइलम फाइलम टेरिडोफाइटा से। और ये टेरिडोफाइट्स नमी वाले स्थान पर होते हैं, ह्यूमिड इन्वायरमेंट में होते हैं, उमर के नजदीक, ह्यूमिड वॉल्स के नजदीक, ह्यूमिड रॉक्स के नजदीक ये मिलते हैं। और इन टेरिडोफाइट्स का कैरेक्टर है कि इन्हीं से जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स की उत्पत्ति होती है। उसके पहले थैलोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम नहीं होता, वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, सिंपल एडवांसमेंट होता है उसमें रूट तो नहीं होते, लेकिन रूट जैसा कुछ स्ट्रक्चर होते हैं फिलामेंटस जो ट्यूबुलर होते हैं, वही एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और एंकरिंग ऑफ प्लांट टू द सॉइल से काम करते हैं। थैलोफाइट्स स्वयं एक्वेटिक होते हैं, ह्यूमिड होते हैं, तो वातावरण में उत्पन्न होते हैं। ब्रायोफाइट भी उनका ह्यूमिड वातावरण चाहिए, कुआं के नजदीक, तालाब के नजदीक, ह्यूमिड दीवार जहां नमी होती है वहां पर वो पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट भी जो लास्ट ग्रुप है क्रिप्टो के ही प्लांट का, उनमें भी ये होता है, इनको चाहिए वातावरण हैबिटेट वहीं पर ये मिले। टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स को हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द बेसिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग ओरिजिन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम और वैस्कुलर टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड स्टील एलॉन्ग विथ पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस एंड सेंट्रल प्लेस पैरेन्काइमा टिश्यू मेड पीथ पीथ। सो टेरिडोफाइटा को जो ग्रुप है इसको चार सब फाइलम फोर सब फाइलम में इसको बांटा गया है, चार सब फाइलम में। पहला फाइलम है इसका साइलोफाइटा, साइलोफाइटा जो है इस साइलोफाइटा पहला सब फाइलम है टेरिडोफाइटा को का। इस साइलोफाइटा में आते हैं साइलोटम, साइलोटम ये एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ प्लांट है, एक्सटिंक्ट होता है, ये फॉसिलाइज्ड है। उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है लाइकोफाइटा, इसमें लाइकोपोडियम एग्जांपल लाइकोपोडियम प्लांट आता है, इसके डिफरेंट स्पीशीज आते हैं इसमें। और थर्ड है आर्थ्रोफाइटा,
इसका एग्जाम्पल है इक्विटम और फोर्थ है फिलिपोफाइटा, एग्जाम्पल इसका है टेनिस या मार्सिलिया, ये हाईली एडवांस ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट्स है। टेरिडोफाइटा हाईली एडवांस ग्रुप है और ये साइनोफाइटा ये ग्रुप जो है सब फाइलम जो है वो प्रिमिटिव टेरिडोफाइटिक प्लांट इसमें मिलते हैं। और इसमें हम लोग को देखना है थोड़ी इंटरनेटिटी रहती है कि इसमें जब स्टील की उत्पत्ति होती है फिर यही से प्लांट किंगडम में शुरू होता है, उसके बाद एडवांसमेंट मिलती है जिम्नोस्पर्मी प्लांट में और एंजियोस्पर्म। हम कहते हैं कि जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी ये दो प्लांट्स जो है वो फेटरोकोकी डेविक ग्रुप के पौधे हैं, केवल इन्हीं दो ग्रुप में बराबर होते हैं, बाकी फेलोफाइट ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है फ्लावर लेस होते हैं या फ्लावर नहीं होते, फ्लावर नहीं। अब बात है कि जो फ्लावर नहीं होते तो टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब कि टू प्रोड्यूस होल लाइफ, अपने विचार संतान उत्पन्न करने की क्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। फ्लावर मेन ऑर्गन होता है यानी जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, तो दो ग्रुप में ये फ्लावर ही होते हैं, ये फ्लावर होते हैं। टेरिडोफाइटा जो है वो जिम्नोस्पर्म के पहले का ग्रुप है, इसमें फ्लावर तो नहीं होता लेकिन रिप्रोडक्शन इसमें स्पोर्स के द्वारा होते हैं और ये स्पोर्स लीव्स पर स्पोरोफिल उनको कहते हैं, स्पोरोफिल्स होते हैं उन्हीं पर ये स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजियम होता है और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं, मेल स्पोर्स को माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स फीमेल को मेगा स्पोर्स कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और फीमेल स्पोरेंजियम में वो मेगा स्पोरेंजियम में फीमेल स्पोर्स की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे जब यही से ओरिजिन होता है स्टील का जाइलम फ्लोएम का, खास करके जब पोजीशन हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि टेरिडोफाइट से उत्पत्ति हुई स्टील की, तो स्टील का पहला फॉर्म कैसा होता है, ये ओरिजिन हुआ तो सबसे पहला फॉर्म हुआ हाइड्रोस्टील का, इसको हाइड्रोस्टील कहते हैं या प्रोटोस्टील भी कह सकते हैं। प्रोटोस्टील प्रोटोस्टील में हाइड्रोस्टील एक्टिनोस्टील मिक्स प्रोटोस्टील और प्लेटोस्टील इतना चार डिवीजन में बांटा जाता है प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील इज अ बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टीलर सिस्टम प्रोटोस्टील। अब इसमें हाइड्रोस्टील प्रोटोस्टील में जो हाइड्रोस्टील फर्स्ट ग्रुप है फर्स्ट टाइप, इस फर्स्ट टाइप में देखा जाता है कि जाइलम जो सेल्स है जाइलम जो वैस्कुलर बंडल है उसका जो सेल्स है जाइलम सेल्स ये कवर होते हैं आउटवर्ड से फ्लोएम, ये फ्लोएम रेड फ्लोएम ये फ्लोएम से कवर होते हैं। इस प्रकार एक मास होता है थिक मास बन जाता है जाइलम का और वो कवर होता है फ्लोएम से और ये स्टेम में खास करके मिलते हैं ये स्टेम या और रूट स्टेम लीफ ये तीनों में क्योंकि ये वैस्कुलर टिश्यू होता है जाइलम फ्लोएम इसलिए ये रूट से शुरू होता है और लीफ तक जाता है क्योंकि वाटर लीफ तक पहुंचाना है तो रूट से ये स्टील शुरू होगा, ये सभी स्टील रूट से शुरू होते हैं और स्टेम से होते हुए ये लीफ तक वाटर सप्लाई का काम करते हैं। उसे पहला टाइप है जाइलम फ्लोएम में जाइलम बीच में रहता है और कवर होता है फ्लोएम से, इसको कहते हैं हाइड्रोस्टील, ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का होता है और ये मिलता है सिलेजिनेला एक टेरिडोफाइटिक प्लांट है। सिलेजिनेला ये वाइट स्ट्रेस में मिलेगा रॉक के किनारे मिलेगा और ये जो मॉइस्ट प्लेसेस मॉइस्ट पैडी फील्ड्स वगैरह है धान के खेत उसमें ये मिलता है सिलेजिनेला हाइड्रोस्टील जाइलम कवर्ड बाय फ्लोएम स्टेट।
नेक्स्ट टाइप है, थोड़े से एडवांसमेंट इसमें मिलती है, वो है एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील, इस एक्टिनो स्टील में हम देखते हैं कि जाइलम पूरे सर्कुलर शेप में ना होकर ये स्टार शेप एक्वायर कर लेता है, स्टार की तरह ये हो जाता है। और स्टार शेप में जाइलम बाहर से ये जो फ्लोएम्स हैं, ये जो फरोज है, ये जो ग्रूव्स है यहाँ स्टार के, वहां से लेके बाहर तक ये हर जगह फ्लोएम कवर्ड होते हैं, फ्लोएम से कवर्ड होते हैं। इसको कहते हैं एक्टिनो स्टील। ये मिलता है लाइकोप्रोमियम में। उसके बाद नेक्स्ट जो एडवांसमेंट हुआ ये स्टील का, वो हुआ कि इरेगुलर जाइलम बंडल्स स्कैटर रहते हैं रूट स्टेबिलिटी पे, और वो फ्लोएम भी इरेगुलरली बाहर से इसको घेरे रखता है। इनकी इरेगुलर कवरिंग ऑफ फ्लोएम इज फाउंड इन मिक्स्ड प्रोटीन स्टील वेयर द जाइलम बंडल्स आर स्कैटर्ड इन सेवरल इरेगुलर बंडल्स। इसको कहते हैं मिक्स्ड प्रोटीन स्टील। उसके बाद ये मिलता है लाइकोप्रोडियम के ही कुछ स्पीसीज में ऐसा मिलता है। एक्टिनो स्टील भी लाइकोप्रोडियम के कुछ स्पीसीज में मिलता है, लाइकोप्रोडियम सरनम वगैरह में। अब उसके बाद प्लेक्टो स्टील, नेक्स्ट एडवांसमेंट है स्टील का, वो है प्लेक्टो स्टील। इसमें पैरेलल बैंड्स होते हैं जाइलम के। जाइलम के जो पैरेलल बैंड्स हैं ये इंटरप्टेड होते हैं, ये कवर होते हैं फ्लोएम बैंड से, फ्लोएम सेल्स से, फ्लोएम सेल्स से। ये प्लेक्टो स्टील देते हैं, ये भी लाइकोपोडियम के में कवर होता है, कुछ लाइकोपोडियम के स्पीशीज में मिलते हैं। उसके बाद आता है एल्टीफ्लोइड साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील का मतलब है कि सेंटर में पीथ होगा, ये पीथ है, ये पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं और ये कवर होते हैं, अंदर में ये रहता है फ्लोएम टिश्यू और उसके बाद होता है जाइलम टिश्यू, और इस जाइलम टिश्यू के बाद होता है फिर फ्लोएम टिश्यू। मतलब ये हुआ कि जाइलम बंडल्स जो है सो अंदर से फ्लोएम से और बाहर से भी फ्लोएम से कवर होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को एंटीफ्लोइड साइफोनोस्टील कहते हैं। एंटीफ्लोइड फ्लोएम जाइलम फ्लोएम टिश्यू, एंटीफ्लोइड साइफोनोस्टील का ये पहचान है। ये मिलते हैं मार्सिलिया के जो फाइटा का प्लांट है उसी में ये एंटीफ्लोइड साइफोनोस्टील मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टील का टाइप है एक्टोफ्लोइड साइफोनोस्टील। एंटीफ्लोइड में हमने देखा कि जाइलम, ये जो जाइलम टिश्यू है ये अंदर से फ्लोएम से और बाहर से भी फ्लोएम टिश्यू से घिरा रहता है, बीच में होता है साइफन ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर, ये पैरेन्काइमा टिश्यू पे बने हुए थे, इसको बीच कहा जाता है। तो ये एंटीफ्लोइड में ये केस है, लेकिन एक्टोफ्लोइड साइफोनोस्टील में जाइलम बंडल्स जो है वो अंदर से फ्लोएम बंडल्स या नहीं होते, ये अंदर से फ्लोएम बंडल से फ्लोएम टिश्यू से ये घिरे नहीं होते, बल्कि बाहर से यहाँ फ्लोएम टिश्यू मिलता है, केवल बाहर जाइलम बंडल के बाहर ये फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, ये फ्लोएम टिश्यू। इसको कहते हैं इस टाइप का बीच में साइफन, ये खाली जगह मिलेगा जो पैरेन्काइमा टिश्यू से भरा रहता है, छोटे छोटे सेल्स के बने हुए ट्यूब वाले सेल्स होते हैं, इसको बीच कहते हैं। तो ये बीच से बीच जाइलम और बाहर से केवल फ्लोएम, अंदर में फ्लोएम नहीं, इसको कहते हैं एक्टोफ्लोइड साइफोनोस्टील। इस टाइप को ये मिलता है इक्विडीटम में। इक्विडीटम में टेलियोफाइटा का पौधा है, ये टेलियोफाइटा फाइलम का, और उसको कहते हैं इक्विडीटम। ये पहाड़ी इलाके में मिलता है जहाँ रॉक्स हैं और रॉक्स के बीच में जहाँ गड्ढे होते हैं, जहाँ पानी जहाँ फॉल्स वाटर फॉल्स जहाँ होते हैं वहाँ पर ही खास करके मिलता है इक्विडीटम। नेत्रहाट वगैरह में या दार्जिलिंग वगैरह में आप जाएंगे तो ये इक्विडीटम मिल जाएगा।
लीटर मिल जाएगा, मगर रॉक वाटरफॉल के नीचे जो रॉक होते हैं उसके बगल में जो पानी जमा रह जाता है वही बढ़िया 1 लीटर मिलते हैं। और ये है नेक्स्ट टाइप, लास्ट हाईली एडवांस टाइप का डिप्टियोस्टील, जो एंजियोस्पर्म हाईली एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट जिम्नोस्पर्म के बाद जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें मिलता है। यहाँ जाइलम और फ्लोएम टुकड़ों में बटा हुआ रहता है, अलग अलग बंडल्स में सेपरेटली यहाँ पर ये इनका पोजिशन होता है। ये पोजिशन होता है स्टील का, जहाँ जाइलम फ्लोएम से घिरा रहता है वह टुकड़ों में टूटा हुआ रहता है, कहीं कि बीच बीच में लीफ गैप्स होते हैं। लीफ गैप्स यहाँ ये लीफ गैप, ये लीफ गैप के कारण गैप्स, लीफ गैप्स के कारण, लीफ गैप्स के कारण ये वैस्कुलर बंडल्स जो है ये टुकड़ों में बटे हुए होते हैं, इसको कहते हैं डिप्टियोस्टील। और ये मिलता है सिलेजिनेला में, सिलेजिनेला में हैप्लोस्टील भी और डिप्टियो अस्मुंडा वगैरह में भी, टेरिस में हाईली एडवांस प्लांट है टेजोफाइटा का, उसमें ये मिलता है। ये इतने ही प्रकार के स्टील्स जब शुरुआत में ओरिजिन हुआ था स्टील का तो टेरिटोफाइटा से ही हुआ, न कि पराइओफाइटा से या थैलोफाइटा से नहीं हुआ स्टील, वहाँ स्टील नहीं मिलते, वहाँ जाइलम और फ्लोएम थैलोफाइट पराइओफाइट से नहीं मिलते। ये मिलते हैं टेरिटोफाइटा में, शुरू होता है बनना, ओरिजिन का डेवलपमेंट होता है जो जिम्नोस्पर्म में थोड़ा और एडवांस कर जाता है, और एंजियोस्पर्म में हाईली एडवांस टाइप का स्टील जाइलम फ्लोएम मिलते। यही स्टीलर ओरिजिन है, इसके बारे में हम लोग इतने देखेंगे, उसके बाद तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।